हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे दही चूड़ा फेस्टिवल, जिसको दंड महोत्सव भी कहा जाता है, जो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो कि छठ गोस्वामी में से एक थे। इनको नित्यानंद प्रभु ने एक प्रकार से दंड दिया था। तो इन जब यह पानीहाटी में आए नित्यानंद प्रभु, तो ये नित्यानंद प्रभु से मिलने आए थे, तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने इनको दंड दिया था। जो दास रघुनाथ, जो ये रघुनाथ दास थे, इनका जन्म लगभग आज से 550 वर्ष पूर्व 1495 ईस्वी में सप्तग्राम के एक जिले में, जो कृष्णनगर, कृष्णपुरी या कृष्णनगर कहा जाता है, वहाँ पे हुआ था। और इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार, जो कि जमींदार थे और उनके पास बहुत ही धन था। कहा जाता है कि इनके पास इतना धन था जिससे कि इंद्र का जितना ऐश्वर्य है उतना ही इनके पिता जो रघुनाथ दास हैं, इनके पिता का भी ऐश्वर्य था। और रघुनाथ जो थे वो अपने खानदान का इकलौता वारिस थे और इनके माता पिता इनसे बहुत ही प्रेम करते थे। किंतु यह शुरू से जब पाठशालाओं में जाते थे तो वहाँ पे इनको हरिदास ठाकुर का सानिध्य प्राप्त होता था, जो कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, महान वैष्णवों में उनकी गिनती होती है। तो उनका सानिध्य प्राप्त होता था और उनसे हर रोज़ महाप्रभु प्रभु के बारे में नई नई कथाएं सुनते थे, महाप्रभु की लीलाएं सुनते थे। और इस कारण महाप्रभु की अनेक सारी लीला सुनने के पश्चात उनके हृदय शुद्ध हो गया और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, जिससे वो घर संसार इतना ऐश्वर्य होते हुए भी वो कभी अपने घर से और संपत्ति से कभी आसक्त नहीं हुए। वो हमें बचपन से ही विरक्त थे। तो माता पिता ने देखा कि ये ऐसे अगर चलता रहा तो कुछ दिन में घर छोड़ के साधु बन जाएगा। तो संसार में आजकल अगर कोई कुछ भी करना चाहता है, साधु बनना चाहता है, तो सबसे बड़ी बेड़ी है उसका विवाह करा देते हैं, जिससे कि वो कहीं जा ही ना पाए, उसके पैरों में बेड़ियाँ डाल देते हैं। तो उसी प्रकार रघुनाथ दास जो थे उनका भी माता पिता ने विवाह कराया, जो कि जो जिस स्त्री से उनका विवाह कराया वो भी स्वर्ग की अप्सरा के तुल्य सुंदर थी। किंतु रघुनाथ दास जो थे उनकी रुचि नहीं थी इन चीज़ों में, क्योंकि उनके हृदय में ऑलरेडी कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका था और वो महापुरुष से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। और महापुरुष से मिलने के लिए कई बार उन्होंने अनेक प्रयास किए और फिर एक बार वो महापुरुष से मिलने भी गए, प्रयास में सफल हुए, महापुरुष से मिले और महापुरुष ने उन्हें बोला कि अभी आपके पास कुछ समय है, अभी तुम वापस घर लौट जाओ, जब तुम्हारा समय हो जाएगा तो तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगे। तो रघुनाथ दास थे बहुत उदास हुए और महापुरुष की आज्ञा थी, इस कारण वो वहाँ से वापस आ गए और घर पे रह के ही वो इंतजार करते थे कि कब वो समय आएगा और कब मैं घर से दोबारा भाग के कब महापुरुष के पास मैं जाऊँगा और महापुरुष की कृपा प्राप्त करूँगा, उनके साथ रह पाऊँगा। और तो यह सोचने लगे कुछ समय पश्चात उन्होंने प्रयास करते करते उनको पता चला कि शांतिपुर में ही 2 साल के बाद कुछ नित्यानंद प्रभु हैं, जो कि गुरु तत्व हैं। यदि हमें गुरु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद की प्रार्थना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही गुरु हैं, गुरु आदि गुरु कहा जाता है नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु जब आए शांतिपुर में तो इनको पता चला और इन्होंने अपने माता पिता से परमिशन लिया रघुनाथ दास ने और गए नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो जब गए तो वहाँ पानीहाटी में देखा कि नित्यानंद प्रभु एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बहुत सारे वैष्णव इकट्ठा होकर वहाँ कीर्तन कर रहे थे। तो जब रघुनाथ दास ने देखा कि नित्यानंद प्रभु बैठे हैं तो रघुनाथ के मन में डर था और वो सामने नहीं गया उनके, और दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके उठा। तो वैष्णव ने देखा कि, और वैष्णव ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि देखिए रघुनाथ आया है और वो आपको दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि पकड़ के लाओ इसको, ये चोर है, क्योंकि जो कृष्ण प्रेम है वो गुरु की संपत्ति है और वो गुरु तभी जब देता है जब आप उसके शरण में जाओ। यदि आप बिना गुरु के ही कृष्ण प्रेम के चक्कर कृष्ण प्रेम पाने की प्रयास करेंगे तो एक तरह से वो चोरी हो जाएगा और वो आपको पूरा प्राप्त भी नहीं होगा। इसीलिए हमें बताया जाता है, शास्त्रों में बताया कि बिना गुरु के भक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। और ये नहीं कि कोई भी ऐसे वैसे गुरु स्वीकार कर लो, हमें उसके लिए पूरा जांच पड़ताल भी करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु वो गुरु हैं, गुरु तत्व हैं, तो गुरु वो समर्थ है कृष्ण प्रेम देने में। तो वो पकड़ के लाते हैं सभी भक्त और नित्यानंद प्रभु के पास जब वो आते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपना चरण उठा के रघुनाथ दास के सर पर रख देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे बहुत बड़ा अपराध किया है, तो आज तुम दही चूड़ा फेस्टिवल करो
और यहाँ सभी को दही चूड़ा का प्रसाद दिया। तो रघुनाथ ने जितने आसपास के गांव थे सभी गांवों से दही मंगाया और सभी दही मंगा के उसमें केला, चीनी, दही, शहद और ये सब मिक्स करके दही चूड़ा बनाया और उसको फिर नित्यानंद प्रभु को भोग लगाया और सभी को दो दो दोने दिए और सभी लोग बैठ के खा रहे थे। और बताया जाता है श्री चैतन्य चरितामृत में कि उसमें इतने लोग थे कि पूरा जो वहाँ की गंगा थी वो गंगा के अंदर भी लोग खड़े थे, गंगा का पानी नहीं दिख रहा था। अगर कोई सरसों ऊपर से गिरता ना तो नीचे नहीं जाता, इतने लोग थे और इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ था। तो तब से ये प्रथा चालू हुई है और तब से ही दही चूड़ा फेस्टिवल हर इस्कॉन में और हर जगह इस मनाया जाता है और खास करके पानीहाटी में इस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस्कॉन मंदिरों में भी यह फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री श्री गौर निताई जी का अभिषेक किया जाता है और उनको दही चूड़ा का भोग लगाया जाता है और बाद में इसको प्रसाद के रूप में बाहर सभी को बांटा जाता है। हरे कृष्णा।